ये रहा मेरा राइस मिल मशीन 6N100 मॉडल, देख सकते हो 6N100 मॉडल मिनी राइस मिल मशीन, देख सकते हो। ये तो फेल ही हो गया, यानी धान धान जो कुटाई होता है वो फेल हो गया, वो सक्सेस नहीं किया। इसमें इनके साथ जो जुड़ा हुआ है ये फ्लोर मिल, ये भी आटे के लिए सक्सेस नहीं किया है दोस्तों। इसमें मैं दर्रा जो पिसाई करना होता है वही पिसाई करता हूँ, दर्रा दर्रा वगैरह, जैसे मैं अधिकतर इसमें भूसा पिसाई करता हूँ। भूसा जो भूसा यानी कभी कभी यहीं में से धान कुटाई करता हूँ तो जो भूसा निकलता है वो दर्रा निकलता है, जो दर्रा भूसा निकलता है उन्हीं को, वही दर्रा भूसी को यहाँ डाल के पिसाई करता हूँ। यहाँ पर ये जो जाली देख सकते हो, जाली ये रहा जाली, ये जो जाली लगा हुआ है इनका, ये जो छेद है इनमें वो 5 mm का है दोस्तों, 5 mm का। बाकी इनका जो ये घाट बोल सकते हो वो है, देख सकते हो। ये भी ख़त्म होता है तो इसको रिपेयर करके चलाना होता है, ये वाला वेल्डिंग वेल्डिंग करके रिपेयर करना होता है और चलाना होता है। ये 5 mm का जाली है, 5 mm का है, ये थोड़ा मजबूत है, ज़्यादा चलता है। और इनके साथ में और ये जाली है, ये जाली देख सकते हो। जैसे जैसे ये डबल लेयर का जाली आटे पीसने के लिए खरीदे थे, तो इनमें आटे पिसाई तो होता है, बहुत मुश्किल से होता है, पर भी जो आटे निकलता है वो आटे अच्छे वाला आटे नहीं होता है दोस्तों, इसलिए आटे तो पिसाई नहीं करता हूँ। और कुछ कुछ जाली बहुत बहुत नरम, ये जाली बहुत नरम है दोस्तों, आटे पिसाई के लिए खरीदे थे, बहुत नरम है, देख सकते हो। इतना नरम जाली अगर पिसाई के लिए लगाओगे तो ये कोई फ़ायदा का नहीं होगा, बहुत तरह के जाली देख सकते हो। यह जाली करीब 2 mm का होगा, 2 mm जीरो जीरो साइज का जाली बोलते हैं, जिसमें आटे निकल रहा था तो चलता नहीं है, तुरंत फट जाता है, तो पिसाई करना बंद कर दिए हैं, आटे पिसाई करना भी बंद कर दिए हैं। कारण यही है कि जाली नहीं टिकता है, कमाई ज़्यादा तो जाली खरीद के लगाने में चला जाता है, तो क्या फ़ायदा होगा। इसमें आप जैसे 2 mm का, ये 2 mm का है, इनमें जो मसाला वगैरह होता है वो पिसाई करने से बहुत अच्छा होता है 2 mm का। बहुत मजबूत है, देख सकते हो मजबूत है। और ये तो 5 mm का, ये 5 mm का, ये 2 mm का, यानी होल होल का साइज बता रहा हूँ, 5 mm 2 mm, इसको जीरो साइज के बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें भी होल है, तो बहुत पतला है तो ये टिकता नहीं है, देख सकते हो बहुत पतला है। ये है, ये दर्रा पीसने के लिए बहुत अच्छा है, मक्का दर्रा तो बहुत भयानक, बहुत अच्छी तरह से पिसाई होता है इनमें मक्का का दर्रा, चाहे भूसा अगर निकल गया दर्रा तो उसको यहाँ डाल के पिसाई कर दो तो बहुत पाउडर जैसे हो जाता है भूसा, इस तरह से लगा हुआ होता है ये, इस तरह से दोस्तों। वो साइड वाला में जो कुटाई धान कुटाई का जो है, धान कुटाई करोगे तो उनमें से जो दर्रा भूसी निकलेगा उनको यहाँ पिसाई आसानी से हो जाता है। तो अधिकतर राइस मिल मशीनों में जो धान कुटाई करोगे तो दर्रा भूसी ही निकलते हैं। तो इस तरह से अगर साथ में इस तरह के फ्लोर मिल, ग्राइंडर वाला फ्लोर मिल रहेगा तो दर्रा वाला जो भूसी है 5 mm का वो डाल के आसानी से जो जितने भी भूसी है उसको महीन कर सकते हो दोस्तों। इस तरह से ये इसको खुलने लगाने में भी बहुत आसानी होता है, इस तरह से टाइट कर दो, हो गया। जाली जो अंदर लगा हुआ उसको टाइट करने के लिए ये वाला दिया हुआ है, ये वाला, इनको टाइट कर दो तो जाली घूमेगा नहीं अंदर, इस तरह से बस।